रतलाम में 13 मई को मतदान होना है, लेकिन रतलाम में वोटिंग शुरू हो गई। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए निर्देश के अनुसार 85 वर्ष से ऊपर व शारीरिक असक्षम व्यक्तियों के लिए घर घर जाकर वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी प्रक्रिया रतलाम में आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर वोटिंग से सरकार बनाने में इन सभी बुजुर्गों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिला निर्वाचन द्वारा बनाई गई टीम घर घर जाकर 85 वर्ष से ऊपर मतदाताओं की वोटिंग करवा रही है, और ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र नहीं जा सकते हैं, वह सभी इस व्यवस्था से बहुत उत्साहित भी हैं और मतदान भी उत्साह के साथ कर रहे हैं। इस पूरी मतदान प्रक्रिया को घर घर जाकर मतदान दल सुव्यवस्थित तरीके से करवा रहा है। निर्वाचन द्वारा सेक्टर 1 अधिकारी समृत सिंह भूरिया ने बताया। ये 85 वर्ष के ऊपर जो है मतदाता, उनको पोस्टल बैलेट से घर घर जाके मतदान करवा रहे हैं, और जो विकलांग है उनको वोट करवा रहे हैं। अभी तक जो है सेक्टर 1 में 2 दल है, दल क्रमांक 1 और दल क्रमांक 2, दोनों मिला के लगभग 21 के आसपास हो गए। टोटल सेक्टर 1 में 2 दल है, एक दल में 21 मतदाता को वोट करवाएंगे और एक दल में जो है 11 को। मेरा नाम समृत सिंह भूरिया, सेक्टर अधिकारी सेक्टर 1। नेत्रदान के प्रति जागरूक अभियान के अंतर्गत जय केला माता शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति रतलाम द्वारा संचालित आरोग्य प्रकोष्ठ श्री सज्जन क्षत्रिय समाज परिषद राजपूत बोर्डिंग शास्त्री नगर नेट स्पेस अकेडमी के संयुक्त प्रयासों से शास्त्री नगर स्थित राजपूत बोर्डिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उमा झवर सामाजिक कार्यकर्ता MA इंटरनेशनल आई बैंक की कार्यवाहक प्रबंधक द्वारा नेत्रदान के संबंध में विस्तृत से जानकारी प्रदान की गई, और रक्तदान मोटिवेशन कार्यशाला डॉक्टर मुस्तफा अली सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, कमलेश यादव, अनिल राठौर शासकीय जिला अस्पताल रतलाम ब्लड बैंक और पंडित मनीष शर्मा युवा समाज सेवी ने रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सैलाना, पिपलोदा, जावरा, ताल, आलोट आदि क्षेत्रों से लगभग 628 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराज गुरु गोविंद सिंह आंबा, डॉक्टर गुरु प्रताप सिंह आंबा, पंडित विजय शर्मा, श्रीमती आभा शर्मा, संस्था अध्यक्ष ठाकुर युवराज सिंह, जावरा उप कार्यालय प्रभारी रौनक जैन, नेट स्पेस अकेडमी संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, विनोद सुयल, श्रीमती मनीषा सुयल, राखी सेन, नंदिनी चौहान, अजय डामर, आयुष मेहरा, वैदिक शर्मा आदि उपस्थित थे। Stephen's School Coding Class 100% Success Student in NEET, AIEEE, CIAT, CA More than 70 MBBS, 48 IITM St. Stephen's School Google Search Top Rating School NCERT Syllabus Admission Open English Medium St. Stephen's School Contact 9009283121 9111823240. Address Indira Nagar Main Road Ratlam 9009283121. C
सैलाना पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम आंबापाड़ा में जमीन विवाद को लेकर आरक्षक पुत्र और शिक्षक पिता ने पड़ोसी युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी आरक्षक वर्तमान में मंदसौर जिले में पदस्थ है, जबकि उसका पिता शासकीय नौकरी में रतलाम जिले में कार्यरत है। घायल युवक का सैलाना में प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत होने पर रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। जावरा के ग्राम हिंगोरिया धांधू में अस्पताल भवन निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में फरियादी मोतीलाल द्वारा शिकायत की गई है। फरियादी का कहना है कि जहां पर अस्पताल के लिए जगह चयनित की है, वहां पर मैं 35 सालों से अपने पशुओं को बांध रहा हूं। वहीं आसपास अन्य जगह भी है जहां पर कि स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरपंच द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। जबकि अन्य शासकीय भूमि पर भी 50 से अधिक लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं। वहीं जब इस बारे में पटवारी से चर्चा की गई तो पटवारी द्वारा बताया गया कि अधिकारियों द्वारा आदेश मिलने पर मैं मौके पर गया था। वह फरियादी को भी समझाइश दी गई है। इस बारे में मैंने ग्राम सरपंच से बात की तो उनके द्वारा भी बताया गया है कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह कलेक्टर द्वारा आवंटित की गई है। वहां स्वास्थ्य केंद्र अगर बनेगा तो आम जनों को भी सुविधा होगी। जनपद पंचायत जावरा, ग्राम पंचायत हिंगोरा धांधू, वर्तमान सरपंच गौतम मणिया कीर। क्या मामला? सर ऐसा तो कुछ नहीं, हमें तो गांव का जनप्रतिनिधि हूँ, सभी के लिए एक समान रहे और जहाँ बता रहे हैं वो अतिक्रमण का, तो वहाँ पर उस उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, वो किसी निजी के निजी जमीन में तो नहीं बन रहा है, वहाँ पर जगह आवंटन हो चुकी है कलेक्टर द्वारा, उसके लिए सरपंच तो कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, सरकार जो तहसीलदार ये निर्णय लेंगे वो, इसमें सरपंच क्या कर सकता है, सरपंच के पावर में ही नहीं तहसील की जमीन। ये जो इसमें 99% ग्रामीण सब लोग राजी हैं, जो ऐसे लोग हैं 10-15 लोग हैं जो अवैध मकान बना रहे बड़े बड़े हैं वो है नाराज 10% इसमें, और 99% इसमें लोग सभी राजी हैं। अच्छा रहेगा ना, उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है तो सभी के लिए के स्वस्थ रहेगी, अच्छा रहे, आसपास के गाँव भी लगेंगे वहाँ पर, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, गरीब महिला हो सबको अच्छा रहेगा वो बनेगा। जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे वो नहीं आधार है, जनप्रतिनिधि सभी के लिए समान है। मैं तो मेरा नाम तस्वर अली शेख है, मैं पटवारी पद पर पदस्थ हूँ, ग्रामीण गोरा धादू पटवारी हल्का नंबर 51। जो संबंधित द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि परेशान करे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग बनना है, पूरा क्षेत्र सरकारी जमीन का है, वो सर्व नंबर 80/2, और उसमें और भी अतिक्रमण पुरुष हैं जिनको पंजीबद्ध किया जा करके सूचना दे रखी है और अधिकरण भी जारी किया है। संबंधित पेमा जी को भी अतिक्रमण पंजीबद्ध करके सूचना दी गई और इनको अर्थदंड आरोपित कर रसीद दी गई थी, और इनके द्वारा वर्तमान में बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा है। तहसील को इस बाबत सूचना प्राप्त हुई, जिसके कारण में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा मुझे फोन से आदेशित किया गया कि वो अतिक्रमण गड्ढे हो रहे उन्हें भुड़वा करके रुकवाया जाए। उस तारतम्य आज दिनांक को संबंधित को मौका स्थल पर उपस्थित होकर के समझाइश दी गई, मना किया गया कि वो घटा इत्यादि ना करें और कोई योग्य तरीके से उसका हल निकाले। जी इससे इस भूमि में पूर्व से पुराना समय से काफ़ी अतिक्रमण आ रखा है, मकान लोगों ने बना रखे हैं, रह रहे हैं, रिहायशी है, और एक दो अभी ये एक्चुअली इसमें दिक्कत आई आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए मुक्त भूमि का चयन हुआ है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। यदि स्वास्थ्य विभाग सुचारू रूप से बन जाएगा तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी।